हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साची ट्रैवल ब्लॉग। आज हम लखीमपुर खीरी के संकटाली मंदिर में आए हैं लड्डू गोपाल के कपड़े लेने। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो दोस्तों जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों लड्डू गोपाल के कपड़े इतने अच्छे अच्छे सभी थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से लें। और बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े थे, बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें थी, झालर थे वो और झूले थे, बहुत अच्छे अच्छे। मैंने अब लड्डू गोपाल के लिए कपड़े ले लिए, शॉपिंग कर ली, अब हम जा रहे हैं। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गोपिकाएं बैठी हैं, और एक श्री कृष्ण जी हैं। आप बताइए कमेंट में कौन सबसे अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्यारे बच्चे लग रहे हैं, अभी ये सब बच्चे डांस करेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिए, जाइएगा बिल्कुल भी मत। और अगर जो आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ये मैंने लड्डू गोपाल का दरबार बनाया है। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं सिंहासन पे, और बच्चे डांस कर रहे हैं, और मैंने म्यूजिक को म्यूट कर रखा है, आप समझ ही सकते हैं क्यों। और बताइए कैसा डांस है, ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिमाएं इन्होंने, बहुत ही सुंदर सुंदर गानों पे डांस किया, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है, और जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बच्ची बहुत ही अच्छा डांस कर रही, छोटी सी बच्ची। नन्हे मुन्ने बच्चे जब डांस करते हैं ना, और अपना फेस वेशभूषा रखते हैं, कितने प्यारे कितने सुंदर लगते हैं। ये बच्चे मेरे घर के पास से ही हैं, और ये बीच में जो कृष्ण बनी है इसका नाम छवि है, और साइड में जो येलो लहंगा पहने इसका नाम छनछन है, और जो पिंक लहंगा पहने उसका भी नाम छनछन है, और वो छोटी सी जो बच्ची है उसका नाम पीयू है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लग रहा है। और ये मेरा लड्डू गोपाल मेरी दीदी का बेटा है, मेरी दीदी हैं, और वो सिमरन है। ये मेरी बहन छोटी है जो राधा बनी हुई है, और जो कृष्णा है वो सिमरन बनी हुई है। तो दोस्तों आप बताइए कौन सबसे अच्छा लग रहा है, किसने सबसे अच्छा सा डांस किया हुआ है। आज जन्माष्टमी का दिन हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, घर में ही कान्हा जी को बिठाते हैं, इनका जन्म करते हैं, तो उसी खुशी में ऐसे बच्चे पास पड़ोस के आ जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा बर्थडे, भगवान का बर्थडे बहुत अच्छे से मना लेते हैं। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी मेरे लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है, और सभी लोग दर्शन करिए, भव्य दर्शन होंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग छोटा मोटा सही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जब कान्हा जी का जन्म होता है, ऐसा लगता है रियल में ऐसा, मतलब प्रतीत होता है कि हाँ कुछ अलग ही मतलब होता है, मैं बता नहीं सकती। आप वीडियो में रहिए और देखिए कितना अच्छा लगता है। अब लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है, और दोस्तों देखिए नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आ गए हैं मेरे प्यारे कृष्णा जी। अब दीदी इनको स्नान कराएंगी, दूध और दही चना में से स्नान कराता है इनको, और इनका भोग लगाते आरती करते। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और बताइए कैसा है मेरा ब्लॉग। Oh.
और अब मेरे कान्हा ने स्नान कर लिया है, दीदी इनको साफ करेंगे और इनको कपड़े वस्त्र पहनाएंगी, नए नए से कपड़े, और फिर इनको झूला में झूला झुलाएंगी। दोस्तों आप लोगों के वहाँ कैसी पूजा होती है कमेंट में बताइए, और जन्माष्टमी आप लोगों ने कैसे कैसे मनाई, कैसी रही आपकी जन्माष्टमी कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब ये दूसरे लड्डू गोपाल हैं, इनको भी दी स्नान कराएंगी, कपड़े पहनाएंगी। मेरे घर में कई सारे लड्डू गोपाल हैं और हम लोगों ने मेरे वहाँ जितने लड्डू गोपाल हैं सबके नाम अलग ही रखे, अलग अलग रख रखे हैं। इनका नाम राघव है, एक का नाम गोविंद है और एक बाकी बिहारी हैं। और अब राघव ने भी स्नान कर ली है, अब इनको भी नए नए कपड़े पहनाएंगे। और अब लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया है, अब हम आरती करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी लास्ट तक ही देखिएगा पूरी, अभी भोग लगेगा, आरती होगी कान्हा जी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जय श्री कृष्णा। दोस्तों जब ये आरती बजती है ना तो मन अपने आप से नाचने का करने लगता है, बहुत ही अच्छी ये आरती लगती है। और दोस्तों आप लोगों ने कौन कौन सी आरती की है बताइए। आरती जब होती है ना तो दोस्तों सभी लोग खो जाते हैं, जैसे भगवान में ही लीन हो जाते हैं। आप देखिए कैसे सब झूम रहे हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है और ये मेरी छोटी बहन है। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो अब तक पहुँच सकें। और मेरा छोटा सा प्रयास है कुछ करने का, अभी तो प्रयास ही कर रही हूँ, इतने अच्छे से मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊं और मैं अच्छा सा प्रयास करूं। कान्हा जी की आरती हो गई है, अब इनको भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी के भोग में मक्खन मिश्री और आज के दिन जो पंजीरी बनती है ना वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, और मक्खन दही तो कान्हा जी का फेवरेट मक्खन मिश्री है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा है प्रसाद लगता है बताइए, मुझे भी बहुत ही अच्छा कान्हा जी का प्रसाद लगता है।